नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट be an easily controlled as Freddy initially threw and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minutes, country United States, box office success 1.6 million। So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेज जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 minutes, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 1.6 million। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेज जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स।
फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डेट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइट मेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डेट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइट मेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Frankie Goosier and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy Oakness Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead. The final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू
written by Damien Sanon and Mark Swift. It is a crossover between The Nightmare of Elm Street and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के: रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के: रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into
कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर।
द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स
बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंग वुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर।
Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ
और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन। फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ आ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought. And the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country United States. Box office successful by 6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन। फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ आ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought. And the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country United States. Box office successful by 6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन। फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ आ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their
fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially threw, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially threw, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Vora against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially threw, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट.
इट इज अ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर. फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाय यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स. फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन. जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट. द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर. फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाय यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स. फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन. जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट. द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर. फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाय यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स. फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन. जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट. द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड
द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाय यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ऑकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाय यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स। फ्रेडी ऑकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो डैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन। जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट। द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के, रनिंग टाइम 98 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव
एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जैसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस सक्सेस 16.6 मिलियन. सो गाइस, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेज़ जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gooseyear and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेज़ जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gooseyear and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर। फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jonathan turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minutes, country United States, box office success 16.6 million। So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe। हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective extagonist Freddy Gooseyear and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jonathan turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minutes, country United States, box office success 16.6 million। So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe। हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाई रोनी यू, रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective extagonist Freddy Gooseyear and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens
Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country United States. Box office success 16.6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe. Hello guys, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonists Freddy Gussier and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country United States. Box office success 16.6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe. Hello guys, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonists Freddy Gussier and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turned out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Key points इस movie के running time है 98 minutes. Country United States. Box office success 16.6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe. Hello guys, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन, जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू,
written by Damien Sanon and Mark Swift. It is a crossover between The Nightmare of Elm Street and Friday the 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Krueger and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jensen turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought,
and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Gussier and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Johnson to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Johnson turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब. हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन. फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट. इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज, बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर.
द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू कहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जेनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स
बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइस इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jonathan turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown, Springwood, have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jonathan turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought, and the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। बॉक्स ऑफिस 6 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोनी यू रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बीइंग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर। The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Voorhees against each other.
फ्रेडी इज़ वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस्ड ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ आ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बींग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस्ड ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म डायरेक्टेड बाई रोनी यू रिटन बाई डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट इट इज़ आ क्रॉस ओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजीज बींग द 18th इंस्टॉलमेंट इन द फॉर्मर एंड द 11th इन द लेटर द फिल्म जॉइंस द टू सीरीज इन द शेयर्ड यूनिवर्स एंड पिट देयर रेस्पेक्टिव एक्सटोगोनिस्ट फ्रेजी गूसियर एंड जेसन वोरा अगेंस्ट ईच अदर फ्रेडी इज वीकेंड एंड फॉरगॉटन बिकॉज द सिटीजन ऑफ हिज होम टाउन स्प्रिंगवुड हैव डिफीटेड हिम बाई यूजिंग मेडिटेशन दैट रिप्रेस्ड ड्रीम्स फ्रेडी ओकनस जॉनसन टू स्ट्रिप देयर फियर एंड ग्रो हिज पावर सो दैट ही मे रिटर्न एंड किल अगेन जॉनसन टर्न आउट टू बी नॉट बी एन ईजीली कंट्रोल एस फ्रेडी इनिशियली थ्रो एंड द टू सुपरनेचुरल मास मर्डर कम इन टू कन्फ्लिक्ट द फिल्म इज क्रॉनिकली सेट आफ्टर फ्रेडी डेड द फाइनल नाइटमेयर सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं की पॉइंट्स इस मूवी के रनिंग टाइम है 98 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्स ऑफिस 16.6 मिलियन सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हेलो गाइज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ
और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है फ्रेडी वर्सेस जॉनसन। फ्रेडी वर्सेस जॉनसन जो कि 2003 मई अमेरिकन स्लैशर फिल्म, डायरेक्टेड बाय रोनी यू, रिटन बाय डेमियन सैनन एंड मार्क स्विफ्ट। इट इज़ अ क्रॉसओवर बिटवीन द नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट एंड फ्राइडे द 13th franchises, being the 18th installment in the former and the 11th in the latter. The film joins the two series in the shared universe and pit their respective antagonist Freddy Guccione and Jason Voorhees against each other. Freddy is weakened and forgotten because the citizen of his hometown Springwood have defeated him by using meditation that repressed dreams. Freddy awakens Jonathan to strip their fear and grow his power so that he may return and kill again. Jonathan turns out to be not be an easily controlled as Freddy initially thought. And the two supernatural mass murder come into conflict. The film is chronically set after Freddy dead, the final nightmare. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Key points इस movie के running time है 98 minute, country United States, box office $16.6 million. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को सब